ओल्ड वर्कर्स कंपनसेशन कास्ट दो लोग हैं सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल अगर ये दोनों लोग अपना काम ईमानदारी से परफॉर्म करें तो ऑर्गेनाइजेश के अंदर वर्कर्स कंपनसेशन कास्ट कम हो सकती है द बेस्ट वे टू अकम्पलिश दिस गोल इज टू मेनटेन अ सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कास्ट को कम करना है तो ऑर्गेनाइजेश के अंदर हेल्दी वर्क प्लेस बनाएँ जब आप हेल्दी वर्क प्लेस बना देंगे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉ की इंजरीज स्ट्रेस स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे स्ट्रेटजीज दैट हैव है इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग वर्कर्स कंपनसेशन कास्ट आफ्टर इंजरीज हैव अकर्ड हैपन इन इवन द सेफेस्ट एनवायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है कि अगर आप सेफ़ एनवायरमेंट इम्प्लॉ को प्रोवाइड करें और ऑर्गेनाइजेशनल वर्क लाइफ बैलेंस डिवेल्प कर लें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी हद हाँ तक ये कास्ट मिनिमाइज हो सकते हैं। इसकी कुछ डी स्टूडेंट स्ट्रेटजीज हैं कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं कुछ जनरल स्ट्रेटजीज हैं जनरल स्ट्रेटजीज में हम ये देखते हैं स्टे इन टच विद द इंजर्ड employee, ये पहली स्ट्रेटजी नंबर टू प्रोग्राम एंड यूज इट थर्ड द दॉ ऑफ द एक्सीडेंट ये तीन चीजें एम्प्लाई जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके साथ इन टच रहें नंबर टू हैल प्रोग्राम एंड यूज इट अपने एस ओ पीज को फॉलो करें डिटर्मन दॉ ऑफ एक्सीडेंट एक्सीडेंट क्यों हुआ उसको डिटर्मन करें अगर ये तीन काम आप कर लें तो ये जनरल स्ट्रेटजीज हैं नेक्स्ट टाइम के लिए ये चीज़ें काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो सकती हैं स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज कल्टीवेट जॉब सेटिस्फैक्शन जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है सम टोटल सम टोटल है मजमूबा है जो भी इम्प्लॉय की लॉयलिटीज जॉब के साथ हैं और इम्प्लाई अपने जॉब सेटिसफाइड है आर यू सेटिसफाइड विद योर सैलरी आर यू सेटिसफाई विद योर सुपरवाइजर आर यूसफाइड विद योर वर्किंग एनवायरमेंट आर यू सेटिसफाई विद योर जॉब प्रमोशन आर यूट्सफाइड विद योर जॉब सिक्योरिटी अगर येस में आंसर है जॉब सेटिसफेक्शन विल एग्जिस्ट मेक सेफ्टी पार्ट ऑफ द कल्चर सेफ्टी को कल्चर का हिस्सा बना दें और ये कल्चर आर्गेनाइजेशनल कल्चर है ये वो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट हैं नॉम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस करेंगे इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहते हैं और जो सेफ्टी है इम्प्लाई की ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का हिस्सा होने चाहिए हैव अ सिस्टमेटिक कास्ट रिडक्शन प्रोग्राम ऐसा सिस्टम बनाएँ कि कास्ट विद अ पैसे ऑफ टाइम मिनिमाइज होती चली जाए ऑटोमेटिकली कास्ट कम होना शुरू हो जाए यूज़ इंटीग्रेटेड मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं उनको अच्छे तरीके से मॉनिटर करें चेक करें और जो इंटर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें सीक्वेंस कम करें लोगों का बर्डन कम करें जो हरती ऑफ मैनेजमेंट है उसको रिड्यूस करें लेर ऑफ़ मैनेजमेंट कम करें सिंपल मेथड यूज़ करें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें ऑटोमेटिकली कास्ट आपकी कम होना शुरू हो जाएगी जनरल स्ट्रेटजी स्टे इन टच विद द इंजर्ड इम्प्लाई जो पहला पॉइंट ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था लेट इंजर्ड इम्प्लाईज नो दैट दे हैव नो बिन फॉर दैट दे आर नॉट आइसोलेटेड दो पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर पहला इम्प्लाई को ये रियलाइज करवाएं कि वो इंजर्ड इम्प्लाई तो है लेकिन हमने उसको आइसोलेट नहीं किया हम उसको भूले नहीं हैं जब ये दो काम आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली योर विल फील सेटिसफेक्शन आंसर ऑल देयर क्वेश्चन ट्राई टू टू ऑर्गेनाइजेशन जो भी मैं जाऊँ सेटिसन में आपको बता रहा था ऑर्गेनाइजेशन से लाइलिटी डिवेल्प हो जाएगी ऑटोमेटिकली आप डिजायर रिजल्ट अचीव करना शुरू कर देंगे हैव रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम एंड यूज इट द सूनर एंड इंजर्ड एम्प्लाइज रिटर्न टू वर्क इवन विद द रिड्यूस वर्क लोड द लोअर वर्कर्स कम्पनसेशन कास्ट विल बी रिड्यूस कास्ट कैन इन टोअर रिओर्गनाइजेशन इंश्योरेंस प्रीमियम अब ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब ये है कि हमारा मकसद भी यही है कि इम्प्लाई अगर इंजर्ड हो गया है उसको दोबारा वर्क प्लेस पर लेके आना है और वर्क प्लेस पर लाने के बाद ग्रेजुअली उसे काम लेना है आते ही उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ही डाल देना वो एम्प्लॉ जब जॉब का हिस्सा बनेगा तो उसका वर्क लोड पहले जो टोटल वो काम कर रहा था उसका टेन परसेंट ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ग्रेजुअली विद इन वन टू थ्री मंथ सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा ऑटोमेटिकली वो फुल कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर देगा इसको हम कहते हैं हैव टू वर्क प्रोग्राम एंड यूज इट द काज ऑफ एक्सीडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर एक्सीडेंट की काज को तलाश ना किया तो वो एक्सीडेंट रिपीट होगा रिडेंडेंसी अगेन एंड अगेन होगा तो आपकी कास्ट में कमी की बजाय इजाफा होना शुरू हो जाएगा की टू प्रीवेंटिंग फ्यूचर एक्सीडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है द की टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सीडेंट अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर एक्सीडेंट्स ना हो तो आप क्या करें यू शो डिटर्मन द काज ऑफ एक्सीडेंट एक्सीडेंट की वजह तलाश करें और उस काज को हमेशा के लिए खत्म करें ताकि नेक्स्ट टाइम वो इशू दोबारा पैदा ना हो कल्टिवेट जॉब सेटिस्फैक्शन रिकोगनाइज एंड रिवार्ड इंप्लाइज एम्प्लॉय की एफर्ट को एक्नोलेज किया करें रिवार्ड किया करें सेटिस्फाई उसको रखें वेन द एम्प्लॉय विल बी सेटिस्फाइड देन इंटेंशन टू लीव विल नॉट एग्जिस्ट इंटेंशन टू स्टे विल एग्जिस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करेगा ये इसका पहला बेनिफिट आपको मिलेगा कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली एंड ओपनली विद एम्प्लॉयज अबाउट जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉय से डिस्कस करें ओपन वे में डिस्कस करें एम्प्लाई को राइट दें वो क्वेश्चन करे और आप उसको आंसर दें जब क्वेश्चन के आंसर देंगे एम्प्लॉ को आप एंगेज रखेंगे तो किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी गिव एम्प्लाईज एज मच कंट्रोल ओवर दे वर्क एज पॉसिबल जो इम्प्लाई को ड्यूटी दी है फिर उसको अथॉरिटी भी दें अकाउंटेबिलिटी के साथ एम्प्लाई अपनी प्रोडक्शन का हेड है तो प्रोडक्शन के डिसीजन वो करेगा आप नहीं करेंगे इसको हम कहते हैं इम्प्लाई को अथॉरिटी दें अकाउंटेबिलिटी के साथ एनकरज इम्प्लॉज टू टाक फ्रीली अमंग प्रैक्टिस कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बुक्स लिखी जा चुकी हैं कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इफ़ इज देर एनी इशू एंड विच विल बी एराइज विदिन द इम्प्लाई बाई द एम्प्लायर देन डेफिनेटली देर इज़ नीड ऑफ मैनेजमेंट इसको हम कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं एनकरज इम्प्लॉयज टू यूज़ इम्प्लाई असिस्टेंस प्रोग्राम इम्प्लाई को असिस्ट करने के लिए प्रोग्राम यूज़ करें अगर कोई सीनियर लेवल पे इम्प्लॉ चला जाता है उसको हेल्पर दें टेक्नीशियन दें असिस्टेंट दें ताकि वो एम्प्लॉ को फील हो कि आई एम अ यूजफुल ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम द सीनियर पर्सन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन मेक सेफ्टी पार्ट ऑफ द कल्चर जो मैंने पहले बताया था जिसकी डिटेल है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेफ्टी है उसको कल्चर का हिस्सा बना दें एनश्योर विजिबल एक्टिव लीडरशिप लीडरशिप मस्ट लीड फ्रॉम फ्रंट टॉप के ऊपर उसको डिसीजन लेने चाहिए इन्वॉल्व एम्प्लॉज एट आल लेवल इम्प्लॉ को हर लेवल पे इन्वॉल्व रखें इंप्लाई को मालूम हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव मेडिकल केयर पार्ट ऑफ विच इज वर्थ प्रोग्राम कम्प्रीहेंसिव मेडिकल केयर हो पी से लेके सी तक सब लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें मेक सेफ्टी पार्ट ऑफ द कल्चर के जो रिमेनिंग पॉइंट हैं वो ये हैं एंडश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू आउट दर्गेनाइजेशन बॉटम टू टॉप एट द सेम लेवल सेम हर की मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर फाइनानस मैनेजर प्रोडक्शन सेम लेवल पे कोआर्डिनेशन हो कम्युनिकेशन हो और आपकी वर्टिकल भी कोर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हो कोआर्डिनेट आर सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोसेस विद आल इम्प्लाइज ऑफ द आर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ओरियंटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर ऑल इम्प्लाईज पी एन से ले के सी ई तक सब इम्प्लाईज़ को हेल्थ और सेफ्टी के मैनुअल्स जो बने हुए हैं एस ओ पीज बने हुए हैं ट्रेनिंग करवानी चाहिए हैव रिटर्न सेफ वर्क प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन योर ऑर्गेनाइजेशन हैव अ कंप्रीहेंसिव रिटर्न सेफ्टी पॉलिसी जो कि सब एम्प्लॉइज को लर्न बाई हार्ट होनी चाहिए सिस्टमेटिक कास्ट रिडक्शन प्रोग्राम इसमें ये डी ए स्टूडेंट्स इस पॉइंट को देखना इम्पोर्टेंट है

कि आपकी सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है इस तरह ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज़ को मालूम होगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हेल्थ और सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है कॉल इंजर्ड इम्प्लाईज़ एट होम टू दूम टू दोर देम दैट दे विल हैव अ जॉब अगर कोई इम्प्लाई इंजर्ड हो गया उसको कॉल करें उससे राबते में रहें फिजिकली उसके घर जाए पता लें चेक करें अगर फिजिकली नहीं जा सकते कॉल करें इंप्लाई को रियलाइज हो कि वो इम्प्लाई हमारा वैल्यूएबल एसेट है दे रिटर्न और जब वो वापस आए उनको वेलकम करें सिस्टमेटिक कास्ट रिडक्शन में एक चीज़ को देखा गया है स्टूडेंट्स और वो ये है की सुपरवाइजर ट्रेंड ऑन ऑल एप्लीकेबल सेफ्टी एंड हेल्थ इशूज प्रोसीजर जब आपके हेड सीनियर टॉप मैनेजमेंट वेल ट्रेंड होगी तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेनिंग बॉटम लाइन तक ट्रांसफर होगी तो आपकी तमाम एक्टिविटीज़ बेहतर परफॉर्म होना शुरू हो जाएंगी रूल्स एंड शो ऑन रूल्स मस्ट बी रिटर्न स्पेसिफिक वेल शेयर्ड वेल कम्युनिकेटेड अब इनमें मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए और सब एम्प्लॉज को मालूम हो कि ऑर्गेनाइजेश के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं होल्ड मंथली मीटिंग्स टू रिव्यू सेफ्टी प्रोसीजर स्ट्रेटीज एंड टेक्निक्स मीटिंग्स बाकायदगी से करें वीकली आफ्टर टू वीक मंथली इट इज अप टू यू बल एंड फ्रीली अवेलेबल देन यू शुड कंडक्ट मीटिंग विद दो ताकि आप उसके रिटर्न प्रॉपर जो रिवार्ड है वो हासिल कर सके रिवार्ड इंप्लाइज हुआ सुजेशन फॉर मेकिंग वर्क प्लेस सेफर जो इंप्लाई वर्क प्लेस को बेहतर करने के लिए सेफ करने के लिए सुजेशन दें उनको रिवॉर्ड दें ताकि बाकी इंप्लाय में भी ये चीज डिवेलप हो यूज इंटीग्रेटेड मैनेज केयर ये इसका लास्ट टॉपिक है इस हवाले से अ कम्परीहेंसिव सेफ्टी एंड हैजर्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम टू कीप इम्प्लाइज सेफ जब तक डी स्टूडेंट्स आप लोग कम्परीहेंसिव प्लान डिवेल्प नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन सेफ़ नहीं होगी और वो कम्परीहेंसिव प्लान को जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन सेफ़ नहीं होगी और जब तक तमाम इम्प्लाईज़ उसको एस ओ पीज को फॉलो नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन सेफ नहीं होगी ऑन साइड मेडिकल क्लिनिक्स होने चाहिए जिसमें फ्री आपकी जो फ्री एड है फर्स्ट एड है वो प्रोवाइड की जा सके प्लांट कंपनसेशन टीम दैट इंक्लूड नर्सिस टेक्नीशियन एंड थर्ड पार्टी नर्सिसम्प्लॉ के साथ वहां पे आपकी नर्सिस डॉक्टर फिजिशियन हेल्थ सेफ्टी के प्रोफेशनल मौजूद होंगे इंप्लाई को एंगेज रखेंगे इंप्लाई को मालूम होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बैक पे खड़ी है कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हमें फेस अगर होती है तो ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट करेगी क्लेम मैनेजमेंट अगर कोई इम्प्लाई का क्लेम बनता है उसको मैनेज करें उसको रिजॉल्व करें सोलूशन प्रोवाइड करें कंपनी वाइड सेफ्टी एंड हेल्थ डेटा बेस बनाएं हर इम्प्लाई का रिकॉर्ड हो डी एस स्टूडेंट्स डेटा बेस कहते ही उस चीज़ को हैं जो कि कंप्यूटर में एक जगह है जहां पे आपका डेटा रिकॉर्ड होता है उसको डेटा बेस कहते हैं हर को कोलीदा से स्पेस दें उसके इश्यूज़, मैं उसके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करें रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम और इम्प्लॉज वापस जब ऑर्गेनाइजेशन में आए उसको वेलकम करें इस तरह आप एक इंटेग्रेटेड मैनेज केयर के साथ अपनी कास्ट को भी कम कर सकते हैं और इम्प्लॉ से बेटर काम भी ले सकते हैं